ये स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है HCF 306.657 बराबर 9 दिया है, LCM 306.657 ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या का HCF हमको दिया हुआ है और LCM पूछ रहा है। तो LCM पूछ रहा है तो हमको दिया हुआ है क्या, HCF दिया हुआ है। देखिए दो संख्या का जो है HCF दिया हुआ है 9, और वही संख्या का हमको क्या मांग रहा है, LCM मांग रहा है। तो चलिए लिखते हैं, दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF 306.657 का जो है HCF हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, और LCM हमको पूछ रहा है। LCM क्या पूछ रहा है, LCM यानी कि दो संख्या है 306 और कॉमा 657, 657 यही पूछ रहा है हमको। यानी ये जो है पूछ रहा है, LCM हमको पूछ रहा है 306.657 का क्या होगा, और दो संख्या वही दिया हुआ है जिसका हमको LCM मालूम करना है, और HCF दिया हुआ है। ऊपर में वही संख्या सेम का हमको HCF दिया हुआ है, और सेम संख्या का LCM पूछ रहा है। तो LCM निकालने के लिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताए होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। तो हम चलिए लिखते हैं, वही फार्मूला लिख रहे हैं। तो दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है, बताए थे HCF, HCF गुना LCM होता है। दो संख्याओं का क्या होता है गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। तो हमको इसमें LCM यहाँ से चलिए पक्षांतर कर लेंगे, यानी LCM अगर रख लेंगे, यहाँ पे LCM रखते हैं, HCF जो है इधर जो गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। यानी LCM बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे आ जाएगा हमको HCF। अब हमको मालूम है क्या, HCF तो मालूम है, चलिए और दो संख्या भी हमको मालूम है, एक संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, वही दोनों संख्या है मालूम है। तो LCM तो हमको पूछ रहा है क्या, LCM, LCM किसका, यही यहाँ लिख देते हैं क्या, 306.657। तो दोनों का गुणनफल हमको लिखना है, तो दोनों का गुणनफल तो यही दोनों संख्या 306 × 657, दोनों का गुणनफल कर दिए, लिख दिए, उसके बाद HCF बटे में क्या, HCF कह रहा है, HCF कितना है दोनों संख्या का, 9 दिया हुआ है HCF। तो HCF भी दिया हुआ है। अब देखिए ये LCM ही होगा यहाँ, 306.657। अब देखिए इसको, देखिए यह कटने वाला है, देखिए कट रहा है, 9 से काटते हैं इसको, चलिए 9 तिया 27, 30 में से 27 गया यानी 3 बचा, 3 पे 6 36, 9 चौके 36 कितना आ गया 34। तो हम ये लिखते हैं 34 × 657, इसको अब गुना करके लिखेंगे आगे, चलिए गुना करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा आपको 22,338, कितना आ जाएगा 22,338। और ये क्या आया है, LCM आया है, यहाँ लिख देते हैं LCM, LCM आ गया है 306.657, यानी ये दोनों का, ये दोनों संख्या क्या आ गया है LCM, दोनों संख्या का LCM कितना आया 22,338, यही पूछ रहा था, दोनों संख्या का LCM पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए
एलसीएम पूछ रहा था इसका 306 और कॉमा 657 का पूछ रहा था, वही हमको पूछ रहा था तो वही हम निकाले हैं, यानी कि 22,338। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।